हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। सुबह के अभी 7 बजने वाले हैं। आज रात को तो मैं जल्दी सो गई थी, 11:15 11 बजे तक मैं सो गई थी सुबह रात को। और अभी देखो मैंने एसी चला रखा है यहाँ पे कमरे में, आप देखोगे ना 16 पे चलाती हूँ, बट चलाती पूरी रात नहीं हूँ, बस कमरा ठंडा होता है बंद कर देती हूँ, फिर पंखे में ही सो जाती हूँ, कूलिंग हो जाती है ना कमरे में। तो अभी मैं बस सो के उठी थी, फिर नहा ली थी। देखो नहा के मैंने आज ये वाला सूट पहना है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो ये वाला कलर है। मैं बाद में इसको वीडियो वगैरह लूंगी, आज हम शूट तो होगी उसमें दिखा दूंगी प्रॉपर सूट में। तो देखिए अभी विहान भी सो रहा है, ठीक है। और आज मेरा भाई आया था और वो विहान से मिलके गया है, छोटे वाला। मैं जल्दी उठ गई थी आज थोड़ा सुबह पहले, तो क्योंकि मैंने ना कल तो बस उठी हुई थी, तो फिर वो कान का आवाज आई हॉर्न की, तो मैंने गेट खोला तो फिर वो बोला कि विहान से मिलवा दे। मैंने कहा विहान को, मैंने फिर सो रहा था नींद में ही उठा के गोदी उसको दिया मैंने, उस गोदी लेके इसको थोड़ा सा मतलब गले लगा के विहान को, फिर वो चला गया, बस इतना ही हुआ था। बाकी उसके बाद फिर मैं मतलब फिर विहान को फिर मैंने सुला दिया था, ये देखो आप, फिर ये रोने लग गया विहान को, ये देखो पूरी ये स्लीव की ये जींस की पैंट पहनी है। अभी मेरे को सच में समझ नहीं आ रहा, मेरा माइंड घूम रखा है, मैं क्या बात करूं क्या नहीं करूं। फिर क्योंकि फिर मैंने देखा ना, मतलब फिर मैंने कुछ, मैं ज़्यादा बोलना तो नहीं चाहती हूँ, बस इतना ही है कि बस मैंने देखा कि हाँ मतलब लाइव वगैरह जो भी है मैंने बाद में देखी, मैंने रात को नहीं देखी, मैंने सुबह सुबह देखी है। मैंने कहा क्या मतलब, मेरे को ये था कि देखना था कि मतलब क्या कुछ बात हुई है क्या, मतलब हिसार में है। तो मैंने वैसे ही चेक किया चैनल, तो मैंने देखा कुछ लाइव वगैरह कर रखी थी। तो फिलहाल के लिए मेरा बस ये, मैं अभी चुप ही रहना पसंद करूंगी, मैं चुप हूँ फिलहाल, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो में यही बात बोली थी कि मैं थोड़ा सा अब मतलब अब अभिहान के ऊपर और अपने लाइफ पे ध्यान दूंगी, कल को मतलब कुछ भी हो ना बात हो तो। बस इसीलिए अभी मेरी 1-2 दिन पहले वीडियो में गई थी तो मैंने यही बोला था कि मैं अपने से मतलब मतलब रखूंगी। तो उसमें भी मैंने ये बात भी मैंने इसीलिए बता दी आप लोगों को कि वो मेरा भाई मिलके गया मतलब विहान से, तो ये भी क्योंकि उसने बोला था मुँह से कि हाँ बोल दियो चाहे ये बात तो वीडियो में कि मिलके गया हूँ मैं, तो मैंने कहा ठीक है मैं बोल दूंगी कि मिल के गया है। तो बस इतनी बात हुई थी बात। हाँ बाकी मैंने पूछा मेरे बड़े भाई, मेरी इतनी बात हुई थी, मैंने बोला कि बड़ा भाई कैसा है, तो उसने कहा कि कर लियो तू वीडियो कॉल। आज उसने खुद से मुझे बोला कि हाँ वीडियो कॉल कर लियो पापा से, करवा के फोन वीडियो कॉल पे देख लियो तू मतलब बड़े भाई को, इतना बात हुई है। तो अभी तो सुबह का टाइम है, मैं दिन में देखूंगी वीडियो कॉल करके, अगर करवाएंगे पापा जी तो बस एक बार देख लूंगी बस वीडियो कॉल पे। बाकी उसके बाद फिर ये देखो मैंने कल, आपको पता ही है कल मैं स्टॉल वगैरह का काम कर रही थी, मतलब रेडी ली है मैंने, आप लोगों को मालूम ही है रेडी खरीद रही हूँ मैं। तो आप लोगों के बहुत सारे उसके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे थे, कमेंट्स भी आ रहे थे, किसी ने मुझे ये भी बोला कि आप रेडी पहले किराए पे ले लेते 1 महीना, उसके बाद ना आप खुद की खरीद लेते, और खुद की भी खरीदी तो आपने नई रेडी खरीदी, पुरानी नहीं ले, पुरानी ले लेते मतलब पैसे बच जाते। तो देखिए मैं यहाँ पे बात बोलना चाहूंगी कि मेरे मन में ये चीज है कि देखो जब भी आप कोई नया काम शुरू कर रहे हो तो वो नई चीज से ही शुरू करो, ऐसा नहीं होता ना कि आप सोचो कि आप पुरानी चीज से आप स्टार्ट कर सकते हो, नो डाउट कर सकते हो, बट एक वो एनर्जी आती है, एक पॉजिटिविटी आती है कि आप किसी नई चीज से शुरुआत करो। तो मैंने खुद से ही मेरी मैंने सोचा कि नहीं निधि, मैं अपनी जो अगर रेडी बनवा रही हूँ तो वो मैं अपनी रेडी ना अपनी नई ही बनवाऊंगी, कोई पुरानी नहीं बनवाऊंगी। तो मैंने वहां पे कितनी सारी रेडी थी आपने भी देखा वीडियो में, तो उन ठेलों में से ना मेरे को मैंने कहा कि मेरी ना ऑर्डर पे बना दो आप, एक नई बना दो, उसकी संभाल करूंगी, उसको अच्छे से रखूंगी रेडी को ताकि वो खराब भी ना हो। और उस पे कलर भी मैंने रेड ब्लू का कॉम्बिनेशन लिया है, जो जैसे जहां पे हम फल फ्रूट रखते हैं वो तो हिस्सा ब्लू होगा, और जो इधर इधर वाला जो हिस्सा होता है सारा वो रेड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ना ये डिजाइन मैंने खुद सोच के सिलेक्ट किया कि हाँ इस तरीके से मैं डिजाइन दूंगी रेडी को, और रेडी बनवा रही हूँ मैं। और वैसे देखो
अगर मैं सिंपल ठेला बनाती ना, मतलब सिंपल जो ठेला होता है जिसमें हम आलू प्याज वगैरह बेचते हैं, तो वो 12 से 13 हजार में बन जाता है। मतलब कई बार 14 भी लगा लो, 13 14 12 13, ऐसे अगर अच्छा क्वालिटी का मटेरियल लगवा रही हो, टायर वगैरह, तो 14 तक में भी जा सकता है वो, मतलब इतने में। लेकिन मैं थोड़ा सा जैसे ऊपर से करवा के, जैसे मैंने छत बनवाई है उसमें रेडी पे, तो जो रेडी पे जो छत बनवाते हैं, मैंने इसलिए बनवाई है, कल को मान लो रेडी पे, मान लो मेरे को विहान को बैठाना पड़ गया है ना, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि बच्चे को साथ लेके मुझे काम करना पड़ा, तो बच्चे के साथ अगर फिर बच्चे को गर्मी नहीं लगेगी, धूप से बचाने के लिए मैंने डिसीजन लिया कि मैं ना रेडी पे छत वाली रेडी बनवाऊंगी, ताकि विहान भी रेडी पे बैठा सकूं विहान को, तो इसलिए मैंने छत वाली ली है। और जो रेडी है देखिए, वो मेरी 18.5 हजार की पड़ी है, मैंने रेट उतना ही बताया जितना लगा है, क्योंकि इतने की तो बनती है आजकल ना। भैया को मैंने बोला था कि भैया रेट कम कर दो ऐसे वैसे, तो भैया यही बात बोल रहे थे, बोलते कि आजकल एक एक चीज महंगी हो रखी है, रेट करें कैसे कम, क्योंकि आजकल जैसे एक साइकिल भी आप लोगों को पता है कि मतलब इतनी महंगी आती है साइकिल भी आजकल, वो 3 4 हजार की तो कहाँ मिलती है ना, महंगी आती है। तो ये ठेला भी ऐसा नहीं है। और फिर उन्होंने भैया ने यही बहुत बोली, अगर सस्ता मिलता ठेला तो सारे जो ठेले वाले होते हैं, मतलब ये स्टॉल लगाते हैं, ये खुद की ना खरीद लेते, तो वो भी किराए पे ही लेते हैं, तो किराया इनका आज के टाइम में 700 800, 600 700 800, ये रेट है। अगर आप सिंपल ठेला लेते हो तो 700 रुपये तक में मिल जाता है, महीने का किराया देते हैं जो भी ये ठेले पे बेचते हैं ना, जो भी खाना पीने का, तो इनका ना किराया होता है ठेले का जाता है, अगर उनके पास खुद की नहीं है, अगर 800 रुपये तक भी किराया होता है। तो मैंने देखिए किराए पे ठेला इसलिए नहीं लिया, क्योंकि मेरे को मन में ये चीज थी कि यार डर लगता है किसी और की चीज अपने पास रखते हुए, डर लगता है मेरे को, शुरू से मेरा नेचर है, मेरे को डर ये लगता है कि कल को मैं ना मैं किराए पे ले आती ठेला, मान लो वो इतने की अमाउंट पे ले आती मान लो, तो और अगर वो ठेला मेरे से गुम हो जाए या चोरी हो जाए या कुछ भी हो जाए, यार मैं नहीं उसकी ढंग से केयर कर पाई, तो कल को मेरे ऊपर पैसे मेरे से मांग ले कि हाँ भाई इतने पैसे दो, आपने घुमा दिया या कुछ भी हो जाए, तो पैसे कितने देने पड़ जाएंगे, आप खुद सोचिए ना वो चीज़। और फिर हर महीने आपका किराया भी जाएगा, मान लो आप कम से कम भी लगाओ 700 रुपये भी जा रहा है, तो साल में ही देखो ना 8 9 हजार तो किराया ही हो जाता साल का। तो उससे बढ़िया मैंने सोचा एक बार पैसे लगेंगे मैं खुद की बनवा लेती हूँ, उसके बाद तो चाहे वो 10 साल 15 साल 20 साल, अगर आप अपनी अच्छे से ध्यान रखोगे ठेले का तो लंबा चलेगा वो, तो इसीलिए मैंने कहा नहीं मैं अपना बनवा लेती हूँ। तो इसीलिए मैंने जो ठेला है वो मैंने खुद का बनवाया है 18.5 हजार का। उसकी एक भारी चेन लेकर आनी है, ताला लेकर आना है, ताकि टायर को बांध सकूँ मतलब चेन से चाबी से, तो उसके लिए भी देखिए क्या होता है ना कि पैसे लगेंगे, वो भी काम करवाना है मुझे। पेंट वेंट तो मेरा हो जाएगा, तो मेरा बन के उन्होंने भैया ने बोला है कि इस महीने के आखिरी तक मेरे को तैयार करके दे देंगे, तो ठीक है। उसके बाद फिर मेरे तो दिमाग में देखिए यही चीज है कि मैं कढ़ी चावल, राजमा चावल, दाल चावल, छोले चावल, ये सब बना के बेचूं। उसके लिए मैंने सोचा है कि देखो मैं ना एक छोटा गैस, छोटा सिलेंडर होता है ना छोटे वाला, वो मेरे पास है भी छोटा सिलेंडर, मेरे पास आई थिंक है, मैंने जो बनवाया था ना उसमें मुझे एक बड़ा सिलेंडर मिला था एक छोटा, तो छोटा सिलेंडर और एक जो चूल्हा है, नहीं होता एक ही का जो स्टोव होता है छोटा सा, वो रख लूंगी ठेले पे, ताकि खाना गर्म कर सकूं, गर्म करने के लिए, क्योंकि खाना जैसे एकदम से जैसे ठंडा ना हो जाए, वैसे मेरे पास हॉट केसेस मैंने ले रखे हैं, तो घर पे ही जैसे मैं ऐसे क्या करूंगी, जैसे मान लो एक दिन जैसे मैंने क्या किया, अच्छी क्वांटिटी में चावल बना लिए, तो राजमा चावल दाल चावल इस तरीके से बना लिए, तो इनको बेच लिया करूंगी, मतलब मैं अपनी सोच बता रही हूँ, बाकी आप लोग भी राय दीजिएगा। दाल चावल, राजमा चावल, कढ़ी तो मेरे को सीखनी पड़ेगी, मैं दीदी के घर जाके सीखूंगी अच्छे से कढ़ी बनाना, क्योंकि कढ़ी ऐसी चीज है बढ़िया, अगर बना लो तो बहुत अच्छी पसंद आती है लोगों को, तो अच्छी बनानी है तो भैया थोड़ी सीखनी पड़ेगी। तो इस तरीके से मैं ना बना के खाना बना के जैसे ले गई घर से, स्टॉल पे लगा दिया, उसके बाद अपना सेल कर दिया करूंगी। और रोटी का भी देखो रख लूंगी, अगर किसी को रोटी भी लेनी हुई तो ऐसे देख लूंगी जैसे भी होगा, धीरे धीरे सीखूंगी। देखो इंसान ना धीरे धीरे ही सीखता है, एकदम से तो देखिए कुछ नहीं सीखता है और एकदम से काम नहीं होता है, लेकिन इंसान को ना अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और ना कोई भी काम देखिए छोटा या बड़ा नहीं होता है कि ये कहो कि यार ये काम तो बहुत छोटा है हमें नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, देखिए काम काम होता है। और मुझे अगर लगा कि मैं कर सकती हूँ घर से, मतलब एक आप लोग भी मुझे रोज बोलते थे कि निधि आप यूट्यूब के अलावा भी कोई काम शुरू करो, करो कुछ ना कुछ करो इसके अलावा भी, तो मैंने को लगा ठीक है मैं फिर ये काम शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मैं कुकिंग घर पे कर लिया करूंगी। ये काम मैंने इसलिए शुरू किया है क्योंकि देखो करने की सोचा है, क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है अभी, वो 4 साल का है, तो मैं खाना घर से बना सकती हूँ,
आप समझ रहे हो ना, जैसे मैंने खाना दाल बना ली, राजमा खाना प्रॉपर ही घर पे बना लूंगी, तो वो टाइम तो मेरा बचेगा ना कि बच्चे के साथ मैं उस टाइम स्पेंड कर सकती हूँ उस टाइम को। उसके बाद मुझे क्या करना होगा, सिर्फ खाना बेचना होगा, उस बेचने का टाइम मेरे को निकालना होगा। तो उसमें भी देखो 3 घंटे तो मेरे पास होते ही हैं, क्योंकि देखो विहान ट्यूशन पे होता है 3 साढ़े 3 घंटे, 3.5 घंटे, तो वो टाइम तो मुझे मिल ही जाएगा। उसके अलावा देखो रात को भी मैं सेल कर सकती हूँ खाना, क्योंकि रात को देखो डिनर टाइम होता है, तो वो टाइम भी ठीक है, और दिन में भी बेच सकती हूँ। बस वही है कि कुछ टाइम विहान को भी साथ में बैठाना पड़ा करेगा मुझे रेहड़ी पे, पर कोई बात नहीं। देखिए अगर हमने कुछ डिसीजन हमने ले लिया है, कहते हैं ना मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, तो बस उस विश्वास को कायम रख के हमें आगे चलना है। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का मैं यहीं एंड करती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ और बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।